बहुत ही प्यारे नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि एक आदमी जिनका कोई गॉड फादर नहीं हो वो भी अपने आप को साबित कर पाता है। तो हमारे बीच श्रीमान रवि किशन जी आ चुके हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रीमान रवि किशन साहब का, जो इस फिल्म में हमारे आरवीबी प्रोडक्शन की जो प्रस्तुति है, बहुत ही प्यारी सी फिल्म जो बनने वाली है, जो बन चुकी है और वो हमारे बीच आने वाली है फिल्म, और इसमें लीड रोल कर रहे हैं श्रीमान रवि किशन साहब। और मैं चाहूंगा इनके साथ इस मंच पर संभावना सेठ जी भी हो और उनकी उपस्थिति भी इस मंच को गरिमामयी बनाती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रवि किशन महोदय हमारे बीच आ चुके हैं जी। सर एक अगर आपकी इजाजत हो, मैं चाहूंगा श्री जी के लिए कम सफा श्री देवी जी के लिए आप लोग एक मिनट का मौन धारण सब लोग करें, इसके बाद हम लोग बात करें। जैसे अभी मालूम हो चुका है कि श्री देवी हमारे बीच नहीं रही, हमारे फिल्म इंडस्ट्री की चांदनी नहीं रही, इसकी वजह से हमने इस हॉल को कम ही समय में और इस तरह से सजाया है। और वो अभी ये काम हमारा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी कार्य रुके। तो हमने ये कार्यक्रम आज सजाया और हमारे बीच रवि किशन महोदय आ चुके हैं। मैंने काफी इंटरव्यू काफी फिल्में सर आपकी देखी है, अगर सर इजाजत हो तो मैं छोटी सी बातें आपकी आवाज में बोलूं। अरे थैंक यू सर। अच्छा रवि किशन साहब जब बोलते हैं, मैं गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, माफी चाहूंगा, ये जब बातें करते हैं वाओ कमाल है, इस फिल्म के हिट होने की संभावना है, अद्भुत है, अद्भुतात है, अद्भुतम है, और इनकी जो एक टैगलाइन वो सबसे ज्यादा हिट हुई है, जिंदगी झंडवा फिर भी कमंडवा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और हमारे बीच इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए रवि किशन महोदय आ चुके हैं। मैं चाहूंगा सर आप, जैसा कि हमें आदेश मिला कि आप हमें थोड़ी सी सूचना देगी कैसे आपने इस फिल्म को किस तरह से निभाया है, और आपके लिए थोड़े कठिन, ये कठिन काम था आपके लिए क्योंकि इससे पहले पार्ट वन बन चुके जिसमें वर्सेटाइल एक्टर भीष्म पितामह कहे जाने में कुणाल सिंह जी आ चुके हैं, और अब आपको ये कार्यभार सौंपा गया, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी बात। सभी लोगों का स्वागत है, जगह बहुत छोटी ली है आप लोगों ने, इससे और छोटी ले लेते क्षमा चाहते हैं, हम लोगों को इतना ठूसा गया है इसके अंदर। और यही कहूंगा मैं, शुभी शर्मा अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, शुभी और काजल भी ऑन द वे हैं, और ट्रैफिक बहुत था तो मैं थोड़ा देर हुआ इसकी वजह से, 8 o'clock का सपोज टू रीच, पर ट्रैफिक में फंस गया था। ये फिल्म का मैं पूरा श्रेय दूंगा श्रीवास्तव जी, डेफिनेटली इन्होंने बैरी कंगना 1 बनाई थी, कुणाल भैया हमारे वंशपुरी के महान आए, और ये फिल्म वहाँ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, और ये टाइटल मुझे बहुत पसंद था, और त्रिपाठी जी, अशोक त्रिपाठी जी जो डायरेक्टर हैं और हमारे पांडे जी जो प्रोड्यूसर हैं, ये लोग जब आए और इन लोगों ने कहानी मुझे सुनाई तो मैं अशोक त्रिपाठी जी यहाँ और छुपो मत, हाँ उनको प्रोड्यूसर को कवर मत करो, हाँ तो ये अशोक त्रिपाठी जी, इनका चेहरा आप लोग देख लें, देख लिया यस, ये चेहरा भूलिए ना, इज अ ये आने वाले समय के बहुत काबिल डायरेक्टर बनेंगे, और ये फिल्म के का पूरा श्रेय अगर मेरा काम आप लोगों को टीजर में अच्छा लगता है, जो भी अच्छा दिखा रहे हो टीजर में, हाँ कहाँ दिखा रहे हो, अच्छा तो वो टीजर देखिएगा, संभावना मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, सारे कलाकार मनोज ये फिल्म के लिए मनोज ने किया था, और कौन कौन है बचा तुम्हारा नाम, हाँ लोटा लोटा तिवारी, आशीष हमारे मास्टर संजय, और सब लोगों को मैं धन्यवाद, कोई नाम भूल रहा हूँ तो दिलीप जी हैं, दिलीप मास्टर वो बहुत आवा हो यार, दिलीप बहुत बढ़िया काम केला, और ये दिलीप के पूरा साधुवाद जाई पिक्चर खातिर, वो सभी लोग ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने अच्छी फिल्म को एक प्रयास किया है, और आज एक फिल्म का मुहूर्त भी है चिंगारी फिल्म है, तो आप लोग अभी फिर ज्यादा समय हम ना ले, मैं चाहूंगा कि आप लोग चिंगारी और पहला क्या करना चाहेंगे, अब मैं दो शब्द आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले आए हुए मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, और मेरी चूक है कि मैंने हॉल छोटा लिया, यस सर, आइंदा ख्याल रखूंगा, सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, बट थैंक्स टू यू, आपने पेशेंस के साथ झेला, इतना तकलीफ उठाई, आई एम वेरी प्राउड, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टूडे, थैंक्स अ लॉट।
बोला कैसा लग रहा है पैसा लुटा के। बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी के आशीर्वाद से, और इन्होंने जो किया ये फिल्म में बहुत किया, अपना समझ भी किया। सबसे पहले सभी बड़े लोग आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, छोटे को आशीर्वाद देता हूँ, सदा खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और बैरी कंगना पार्ट वन जब आई थी 92 में तो बहुत ही हिट थी, और मुझे उम्मीद भी है कि फिल्म हमारी बैरी कंगना 2 बहुत ही हिट जाएगी। और हमारे सभी कलाकार, सबसे खास कुणाल सिंह भैया, रवि भैया, उमेश सिंह, अवधेश मिश्रा, जो भी थे, सब लोगों ने दिल से और बहुत अपने उससे मेहनत किया है, इसलिए मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबका बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी अजीज दोस्त और डांसिंग क्वीन, जिनका पूरा पूरी दुनिया दीवानी है, ना सिर्फ बिहारी भी, संभावना से अगली, अभी हमको पता चला कि चिंगारी में बहुत ही स्पेशल इनके लिए सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रही, बहुत बड़ी, और परफॉर्म दैट तो गाने से ही शुरुआत होगी, क्योंकि ये बहुत लकी लड़की है। और मैं चाहूँगा संभावना सबसे बात करें। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच रवि। रवि एक्चुअली जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं, वाकई इनके आने से इस मंच पर चार चांद लग गए हैं। ये जो चुपचाप सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग अचानक खड़े हो गए, और ये रवि की स्टारडम का ये एक कहते हैं ना बहुत ही छोटा सा, मैं वो देख रही हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है रवि का, मैं शुरू से मैं रवि को देखती आ रही हूँ, और ये स्टारडम रवि दिन ब दिन, हर दिन रवि का बढ़ता जा रहा है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय फ्रेंड रवि किशन। मैंने मेरी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत रवि किशन के साथ ही की है, और आज यहाँ पर रवि के साथ खड़ा ही होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यस, जैसे कि अभी रवि ने बोला, नाउ दैट ही सेड कि मैं सॉन्ग कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली मेरे दोस्त के लिए, आप लोगों के लिए, भोजपुरी के लिए मैं डेफिनेटली अच्छा काम करना चाहूंगी। पहले भी करती आई हूँ, आगे भी करती रहूंगी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। ओम सस्ते नेन्द्र वृद्धस्रवा सस्ते नोखा स्वामे रास्ते नक्षो अरिष्ट ने मेह स्वस्ति नो बृहद भद्र दो प्रेगर स्वा मरुता प्रश्ने मातर सुभन्यावानो विदथे खोजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सो राजच्छस इस्वे नो देवा अवसागमन्निः। नारियल तोड़ने वाला ले आए पत्थर, तोड़ो जल्दी लो। आप सब लोगों पे से हम नारियल लूटा। ओम भद्रां भद्रे गणपति बप्पा भगवान की जय। अब मैं टीजर दिखाऊं आपको, बस प्लीज।